कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। लोहा बाजार में अगर बात करते हैं बिलेट के बारे में, तो बिलेट में बाजारों में इंगट को देखते हुए आज सुबह जो इंगट में कारोबार देखा गया है उसको देखते हुए आज बिलेट की कीमतों में भी तेजी के साथ ही कारोबार देखा गया है। इंगट में बीते एक से लेकर दो दिनों में लगभग 1500 से लेकर 2000 रुपए प्रति टन की तेजी MS इंगट में आई है, जिसका असर बिलेट के बाजारों पर भी पड़ता हुआ नजर आया है। अब किस तरह की कीमतें बिलेट में चल रही है, जानेंगे इस बारे में खबरों में आगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। तो बिलेट के बारे में जानेंगे, मंडी गोविंदगढ़ सहित कुछ अन्य मंडियों में बिलेट की आज की कीमतों के बारे में, साथ ही बात करेंगे इंगट और स्क्रैप की आज की कीमतों के बारे में, जानेंगे आज का कारोबार और आज का ट्रेंड। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो कीमतों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तेजी आने के बाद बिलेट का जो रेट मंडी गोविंदगढ़ में चल रहा है वो 52,200 रुपए है। दुर्गापुर की मंडियों में इसका रेट 48,300 रुपए देखा गया है। राउरकेला में बिलेट की कीमतें 47,100 रुपए है। रायगढ़ का रेट भी 47,300 रुपए देखा जा रहा है। रायपुर की मंडियों के बारे में बात करते हैं, बिलेट की कीमतें 48,600 रुपए चल रही है। कोलकाता का रेट 49,000 रुपए बिलेट में देखा जा रहा है। जयपुर की मंडियों में बिलेट पर 51,000 रुपए पर कामकाज हम देख कर चल सकते हैं। मुजफ्फरनगर के बारे में जान लेते हैं, बिलेट की कीमतें 50,400 रुपए यहां चल रही हैं। मुंबई में भी जो बिलेट का रेट है वो 49,800 रुपए है। गाजियाबाद की कीमतें 50,200 रुपए देखी जा रही हैं। लुधियाना में जो बिलेट का रेट है वो 52,000 रुपए है। हैदराबाद में बिलेट का रेट 48,800 रुपए बाजारों में देखा गया है। और भिवाड़ी के बारे में अगर बात करी जाए, बिलेट की कीमतें 50,600 रुपए बाजारों में चल रही हैं। इसके बाद अब बात करते हैं इंगट और स्क्रैप के बारे में। तो MS इंगट का जो रेट मंडी गोविंदगढ़ में है वो 52,000 रुपए है, जिसमें भी 800 रुपए तक की तेजी दर्ज करी गई है। और MS स्क्रैप की कीमतें 40,600 रुपए बाजारों में चल रही हैं। अब बाजारों में जो तेजी देखी गई है, बिक्री ना होने के बावजूद एक तरफा तेजी आई है। आज से कल में 1500 रुपए प्रति टन से ज्यादा की तेजी बाजारों में हम लोग देख चुके हैं। खरीदारी करने के लिए अच्छे लेवल है। और ट्रेंड के बारे में बात करी जाए तो ट्रेंड बाजारों में बेहद पॉजिटिव नजर आ रहा है। आप बाजारों में इस वक्त गिरावट पर खरीदारी करके जरूर चलें और साथ ही ऊपरी स्तर पर सतर्क जरूर रहें और समय आने पर अपना प्रॉफिट बुक करना ना भूलें, प्रॉफिट बुक करके जरूर चलें। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबर आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।